बलरामपुर गोंडा सीमा अंतर्गत कुआनो जंगल के समीप एक सरकारी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गहरी खाई में पलट गई। बस में चालक परिचालक समेत कुल 19 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही तत्काल भारी पुलिस बल के द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया गया। बस में सवार 18 यात्रियों को सुरक्षित जीवित निकाल लिया गया, जबकि दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो गई। घायल व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु एम्बुलेंस से संयुक्त मेमोरियल अस्पताल बलरामपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार को सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु पुलिस बल के साथ घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है। घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। ठीक है भैया, आप इधर दे दीजिए। बहुत बढ़िया भैया, लोग आता है। ये आज सुबह 5 बजे की घटना है। रोडवेज बस है गोंडा डिपो की, ये कानपुर से तुलसीपुर जा रही थी और कुआनो जंगल जो गोंडा रोड पे है यहाँ पे ये बस जंगल में गिर गई थी खाई में। इसमें 19 सवारी थी और दो ड्राइवर कंडक्टर थे, कुल 21 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।